मूंग दाल के पकोड़े, वो भी क्रिस्पी एंड क्रंची मंगोड़ी, एकदम ऐसे। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। हमने यहाँ पे थोड़े से धनिया पत्ती, दो हरी मिर्च और एक प्याज को बारीकी से काट लिया है। एक चम्मच सौंफ, हाफ स्पून हींग, दो चम्मच हमने साबुत धनिया और एक चम्मच साबुत जीरा लिया है। इस प्लेट में हमने जो धनिया पत्ती, टमाटर और मिर्ची रखा है वो चटनी के लिए रखा है। और यहाँ पे हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है गोभी, और वहाँ पे हमने दाल रख दिया है, मूंग की दाल को भिगो के कम से कम 4 घंटे तक। अब हम यहाँ पे गोभी को ग्रेट कर लेंगे, और जिस टेक्सचर में मैं ग्रेट कर रही हूँ उसी टेक्सचर पे आपको ग्रेट करना है, इससे मंगोड़ी का स्वाद और बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पे पूरे गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लिया। हमने यहाँ पे जो भी स्पाइसेस लिया था उनको अब ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद जब आप ग्राइंडर में पीसे तो थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। उससे क्या होता है, जब हम एक एक बाइट लेते हैं मंगोड़ी का तो उसमें काफ़ी टेस्ट आता है, एकदम इसी टेक्सचर में। अब हम चटनी बना लेंगे और इसमें लहसुन को भी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 हरी मिर्च, 1 टमाटर और थोड़े से धनिया पत्ती और 4-5 लहसुन की कली, स्वाद अनुसार नमक को डाल के इसका चटनी बना लेंगे। आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा चटनी यहाँ पे बन गया है हमारा, और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट चटनी बना है। हमने यहाँ पे 3 कप मूंग दाल को भिगो के रखा था 4 घंटे से, तो एक्स्ट्रा पानी को हम निकाल के बाकी ग्राइंडर में हम पीस लेंगे, और उसी ग्राइंडर में पीसेंगे जिसमें हमने धनिया पत्ती पीसी है। तो उसमें क्या होता है, वो बहुत टेस्टी लगता है। अब हम एक बार इसको पीस लिए, और आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम पीसे तो आप पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना उसमें, और एकदम दरदरा भी नहीं पीसना है और एकदम पानी वाला भी नहीं पीसना है, मीडियम पीसना है। अब हम इसमें जो गोभी को ग्रेट करके रखा था हमने उसको इसमें ऐड कर दिया हमने। अब जो धनिया पत्ती और मिर्ची काट के रखा था उसको भी ऐड कर दिया। साथ ही साथ हमने इसमें जो प्याज काट के रखी थी उसको ऐड कर दिया, और जो सबसे पहले जो हमने स्पाइसेस का पाउडर बनाया था दरदरा सा, उसको यहाँ पर 2.5 चम्मच हमको ऐड करना है। अब इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आप स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक मिला ले, उसके बाद आप अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए। अब हम तेल को गरम करके एक एक करके उसमें मंगोड़ी को डाल देंगे, और जब आपका मंगोड़ी धीरे धीरे पकने लगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तो आप धीरे धीरे करके उसको पलट दें। और जब इस तरीके से आपका एकदम अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो आप एक प्लेट में उसको धीरे धीरे करके निकाल ले। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आप साउंड सुन रहे हो, कितना क्रिस्पी और क्रंची यहाँ पे हमारा मंगोड़ी बना है। अभी आपको पता चल जाएगा कि मंगोड़ी कैसा बना है, इसका साउंड सुनो आप। देखा आपने, काफ़ी मज़ेदार है ये मंगोड़ी। तो आप भी इस तरीके से मूंग दाल के पकोड़े बनाएं और एंजॉय कीजिए।